ड्रग्स, जिसकी जड़ें समाज में तेजी से फैल रही हैं और आज उसी के चलते सांबा पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और सांबा जिला के सिरोर इलाके में सांबा पुलिस ने विशेष समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग की और वहीं उस मीटिंग में एसएसपी सांबा ने विशेष समुदाय के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपने ड्रग्स स्मगलिंग के इलीगल धंधे को बंद नहीं किया तो आने वाले दिनों में आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने सीधे तौर पर यह संदेश देते हुए कहा कि उन्हें सब मालूम है कि कौन कौन इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व है और अगर इस चीज़ को जल्द ख़त्म नहीं किया तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने वहाँ के लोगों से ये भी कहा कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि ड्रग्स को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, उसकी जड़ों को काटा जा सके और आपकी पीढ़ियाँ जो है वो बर्बाद होने से बचें। तो आइए पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि क्या कहना है एसएसपी सांबा का। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਡੋੜਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਭਦਰਵਾ ਭਦਰਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਦਰਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਦਰਵਾ ਸਾਰੇ ਭਦਰਵਾ ਵਾਪਸ ਗਏ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਕੜਦੇ ਆ ਆਪਕੋ ਸਾਈ ਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੇ ਕਾਹਨ ਲੱਗ ਕਿਉਂ मैं वो मंजे से उठ नहीं सकता, ये तो काम में अभी भी ये उसी में लगा हुआ है। कौन देता है इसको, कहाँ से लाता है ये? सर मैं सो जाऊँ रात में के। नहीं नहीं आप जैसे सो जाते हो रात को, आपका कितने घर में गुजरा कितने डेरे चार पुत्र कौन कौन है? तो मैं मुझे कहना नहीं चाहिए या आपको शर्म के साथ मर जाना चाहिए अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं? आपको पता है हो रही हैं, आप बताते नहीं हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सर। और ये वाली चीज़ आज के बाद इस वक्त के बाद बंद हो जानी चाहिए। ठीक है। मुझे कहीं से भी कोई लड़का पकड़ा गया डोडा में और उसने कहा जना मैं सरोर से जाके नशा लेता हूँ, तो जिस घर से वो लेता होगा उसको मैं छोड़ूंगा, चाहे वो रोशन दिन होगा तो चाहे ये होगा तो चाहे दूसरा दिन होगा, कोई मुझे कोई वास्ता नहीं। आप मतलब ईमानी तौर पर दो मिनट के लिए सोचो कि जो मैं कह रहा हूँ ये गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। ठीक है सर। आप जिनका 4,000 रुपया या 2,000 रुपया या 200 रुपया कमा लेते होगे, लेकिन किसी के बच्चे को आप जहर दे रहे हो और अब जब आग जलती है तो अब बंदा कहे कि आग से जिसके पास जलती है उसको सबसे ज़्यादा सेक लगता है। अगर आपके यहाँ गंदा काम हो रहा है या गंदी चीज़ें हो रही है तो आपके बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ना उसका। आप मुझे बताओ कौन सा बंदा है जो बेचता है और खाता नहीं है? वो ऐसा है जो सिर्फ बेचता है। और मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि लेडीज़ भी यहाँ ये चिट्टा खाना शुरू हो गई है। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो आप मुझे बताओ कि आपका फ्यूचर क्या है, कल होना जीना क्या है? सरकार चाहती है शेड्यूल ट्राइब है, आपको रिजर्वेशन है, आपको पढ़ने में सहूलियत है, स्कॉलरशिप है, बच्चे पढ़े आगे नौकरी में सहूलियत है, उस तरफ आपका किसी का ध्यान नहीं है। आप वो भी छोड़ें, आपने भैंसें रखी हैं, दूध मक्खन लस्सी जो अपना पेशा है उसको अपनाएं, इज्जत के साथ नौकरी करें, मेहनत करें, तो उसमें तो इसमें क्या 2,000 रुपया कमा लेते हैं या 4,000 रुपया कमा लेते हैं, दूसरे बच्चे को जहर दे दिया उसको मार दिया। तो ये चीज़ें आज के बाद जो आपने इंश्योरेंस दी है।